वाराणसी दुनिया का सबसे पौराणिक शहर, तमिलनाडु जिसकी भाषा है सबसे प्राचीन, एक की पहचान है आध्यात्मिक राजधानी की, जहां गंगा की धार के साथ गूंजते हैं पवित्र मंत्र, तो दूसरी ओर है भारतीय ज्ञान प्रणाली का अनमोल खजाना। बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक क्षेत्रों में दोनों ने अपने हृदय में संजो रखा है ज्ञान की विरासत को। दोनों क्षेत्रों के बीच के इस प्राचीन संबंध का साक्षी बनने जा रहा है काशी तमिल संगमम। यानम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपने पन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। वो त्योहार जो तमिल कैलेंडर के अनुसार कार्तिकेय महीने में मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम की पहल को दे रहा है आकार, जिसका मकसद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जिसमें आधुनिकता की झलक तो हो ही, साथ ही उनमें हो मजबूत जड़े संस्कृति और लोकाचार की, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को करना है सार्थक। संगम में शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत एक लंबे अनुभव के लिए तमिलनाडु से 12 ग्रुप के लगभग 2500 प्रतिनिधि काशी का दौरा कर रहे हैं। आपसी चर्चा और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए प्रत्येक ग्रुप के विषय से संबंधित विशेष सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिनिधियों के प्रत्येक ग्रुप को अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण करना है। उत्सव में और भी रंग भरने के लिए हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें भरतनाट्यम जैसे प्राचीन नृत्य, तमिल लोक नृत्य जैसे करागट्टम, पोईकल, कुथिराई और तमिल लोक संगीत शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आयोजित प्रदर्शनी में त्याग और बलिदान की झलक मिल रही है, साथ ही हो रही है क्षेत्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग और पुस्तकों का विमोचन भी। इसके अलावा यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सभी प्रकार के हस्तशिल्प और हथकरघा की प्रदर्शनी और उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लोगों के लिए हो रहे हैं उपलब्ध। व्यंजन किसी भी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, इसलिए यहाँ तमिल व्यंजनों की कई किस्में विविधता के साथ लगा रही है जायके का तड़का। लोगों के दिलों को करीब लाने का ये उत्सव वास्तव में आजादी के अमृत महोत्सव की पेश कर रहा है झलक। हमारी परंपरा के संबंध को फिर से खोजने, अपने जुड़ाव को और भी मजबूत करने और साझा विरासत की समृद्धि का सम्मान करने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है।